सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरमान अंसारी एंड योर वाचिंग अरमान अंसारी यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सोनी की तरफ से आने वाला एक न्यू साउंड बार की सारे फीचर को और साथ प्राइस को। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो सोनी की तरफ से आने वाला जो न्यू साउंड बार की फीचर्स को और साथ में प्राइस को, तो आप लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हो। आप लोग को सारी चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो गाइस, जो सोनी अपना न्यू साउंड बार को लॉन्च करने जा रहा है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मैं आप लोग को लॉन्च डेट भी बता दूंगा। तो गाइस, जो इसकी प्राइस होने वाली वो 15,000 rupees के अंदर ही देखने को मिलेगी ये साउंड बार। तो गाइस, इसकी जो नेम है सोनी की, जो न्यू साउंड बार आने वाले है उसकी जो नेम है सोनी ST-S20R की नेम से है। तो गाइस, अगर आप लोग इस साउंड बार की जानना चाहते हो सारे फीचर्स को, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो यार, आप लोगों को सारी चीज वीडियो में पता ही चलेगी। तो गाइस, आप लोगों को जो देखने को मिलती है सोनी ST-S20R साउंड बार में, आप लोगों को देखने को मिलता है आउटपुट पावर वो मिल जाता है 400 वाट की, जो काफी ज्यादा तो नहीं है, बेसिकली मीडियम है। तो गाइज, 400 वाट की आउटपुट पावर मिलती है। और गाइज, आप लोगों को मिल जाता है इस साउंड बार में जो साउंड की क्वालिटी वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो गाइज, इसमें आप लोगों को डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि इसकी जो साउंड की क्वालिटी वो कितनी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और गाइज, आप लोगों को मिलता है सोनी ST-S20R साउंड बार में, आप लोगों को जो देखने को मिलेगी कनेक्टिविटी वो मिल जाएगी आप लोगों को 3। और गाइज, आप लोग इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो HDMI ARC से, जिसे आप लोग TV से और PC से और बहुत सारी चीज़ों से आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज, आप लोगों को इसमें एक USB का भी मिलता है पोर्ट, जिससे आप लोग इस साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो पेन ड्राइव से। और गाइज, आप लोग इसे काफ़ी तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, ये PC से भी कनेक्ट हो जाता है और साथ में TV से भी कनेक्ट हो जाता है ये साउंड बार, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और साथ में आप लोगों को इस साउंड बार में आप लोगों को मिल जाता है नाइस नाइट एंड वॉइस मोड भी मिलता है, जो एक न्यू फीचर है। तो गाइज, इसमें आप लोगों को नाइट एंड वॉइस मोड मिल जाता है। तो गाइज, आप लोग इस साउंड बार को बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिलहाल ये लॉन्च होने वाला है जल्दी। तो गाइज, आप लोगों को देखने को मिलेगी आप लोगों को इस साउंड बार की सारे फीचर्स वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और साथ में आप लोगों को इसमें मिलते जो ड्राइवर्स 160mm की ड्राइवर देखने को मिलने वाली है, एक सब ऊपर भी इसमें आप लोग एक्सटर्नल कोई भी सब ऊपर इसमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज, आप लोग इसमें कोई भी एक एक्सटर्नल सब ऊपर को भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ में 2-3 स्पीकर को भी इससे कनेक्ट कर सकते हो, यह काफ़ी अच्छे तरीक़ों से कनेक्ट भी हो जाता है। और गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही था। और गाइस, इसकी मैं आप लोगों को बता दूं लॉन्च डेट, तो गाइस ये लॉन्च होने वाला है 7 फरवरी 2020 को। तो गाइस, ये 2020 ही चल रहा है और ये 7 फरवरी को लॉन्च होगा। तो गाइस, आज है 5 फरवरी और ये एक दिन बाद लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, सोनी ST-S20R साउंड बार 7 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा। और गाइज, इसकी जो प्राइस होने वाली है आप लोगों को 15,000 rupees के अंदर ही देखने को मिलेगा ये साउंड बार। तो गाइज, इसकी जो प्राइस होने वाली है एग्जैक्टली जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 14,990 rupees। तो गाइज, आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा 14,990 rupees में। और इसमें आप लोगों को जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ सोनी ST-S20R साउंड बार के सारे फीचर को और साथ में आप लोगों को प्राइस एंड लॉन्च डेट को भी बताया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक दबाने का और सबको भी चेज कर लो। गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस, बस मिलते हैं अगले वीडियो में कौन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।